सो लेट्स गेट इनटू द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कितने प्राइस रेंज लेवल में एक स्पोर्टी गाड़ी चाहिए जो कि थोड़ा स्पोर्टी लुक दे एंड चलने में भी स्पोर्टी हो। वाओ क्या भाई क्या म्यूजिक है। ओहो क्या एसी है भाई, बहुत जल्दी कूल हो जाता है यार इसका एसी तो। मजा आ गया भाई, क्या एसी है भाई, मजा आ गया यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाट इज ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने बोला था आज कुछ स्पेशल आने वाला है, तो क्या है वो स्पेशल, तो ये रहा फोर्ड इको स्पोर्ट का चाबी एंड नीचे खड़ा है गाड़ी, तो हम लोग जाके देखेंगे अभी। जैसे कि मैंने बोला था फुल रिव्यू होगा, फुल डिटेल्स में वीडियो होगा, तो म्यूजिक वगैरह सब सुनाऊंगा एंड इंटरव्यू आउटरव्यू सबका पूरा कवर करना ट्राई करूंगा, कुछ भी मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अभी चलते हैं डायरेक्ट गाड़ी के पास एंड वहाँ जाके पहले मैं एक सिनेमैटिक व्यू ट्राई करूंगा लेने के लिए शूटिंग, तो उसके बाद जो रहेगा दिखाऊंगा सब कुछ जो भी रहेगा गाड़ी का। एंड चलो अभी नीचे जाके डायरेक्ट देखते हैं, चलो अभी तोड़ को जाके देखेगा डायरेक्ट। सो हियर यू गो, दिस इज द इको स्पोर्ट। तो इसका एक सिनेमैटिक व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को पहले। ठीक है, मैं आ गया हूँ कार के अंदर, बट इसको मैं चला के वीडियो नहीं बना सकता यार, क्योंकि मेरे पास माउंट पाउंट कुछ नहीं है, मैं बस जस्ट एक मोबाइल है, तो मोबाइल से डायरेक्ट कहाँ पे रखूँ क्या करूँ वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखो उधर था गाड़ी, मैं इधर तक ले आया, उसके बाद सोच रहा हूँ भाई वीडियो कैसे बनाऊँ चलाने का। तो खैर किसी और दिन मौका मिलेगा यार, पता नहीं किसी और को बैठा के उसको बोलूँगा कि भाई तू मोबाइल हाथ में पकड़, या फिर आप लोगों को अगर प्यार मिले तो हम कुछ खरीदेंगे ट्राइपॉड वगैरह जो भी माउंट पाउंट जो भी किधर है, ऊपर आपको सनरूफ दिख रहा होगा। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं गाड़ी का मॉडल के बारे में। तो मॉडल है ये टाइटेनियम 1.5 लीटर TDCi, जो कि बहुत ज़्यादा सेल होने वाला गाड़ी मतलब मॉडल है इको स्पोर्ट का, जो कि मिड रेंज के अंदर आता है एंड उसका टॉप मॉडल नहीं है, टॉप का नीचे वाला मॉडल है। तो आप लोग जाके शोरूम पे एक बार विजिट करना और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये टॉप मॉडल से ज़्यादा कुछ कम भी नहीं है, कि ये टॉप मॉडल पूरा भी नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको ज़्यादा रिग्रेट भी नहीं होगा कि भाई मेरे को टॉप मॉडल लेना था, क्योंकि लगभग सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं उसके। ठीक है, और इसको चला के मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको बताता हूँ। पूरा इंजन स्मूथ है एंड बहुत हार्ड है इसका जो रैप है, मतलब पूरा ना बिना दबा के भी गाड़ी चलता है, एक नंबर और दो नंबर, एक दो नंबर भी गियर लगा दो तो गाड़ी अपने आप चलता है गड़ता है, मतलब बिना जो क्या एक्सलेटर दबा के। ठीक है, और इसका पावर बहुत ही अमेजिंग है एंड चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपको इस मतलब इतने प्राइस रेंज लेवल में एक स्पोर्टी गाड़ी चाहिए जो कि थोड़ा स्पोर्टी लुक दे एंड चलने में भी स्पोर्टी हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली गो फॉर द इको स्पोर्ट। एंड उसके जो कंपैरिजन में जो भी गाड़ियां हैं आप लोग कमेंट में बताओ, मैं सारे गाड़ी का कॉन्टैक्ट है मेरे पास एंड सबके पास जाके मैं वीडियो बना दूंगा कंपैरिजन, साथ में ला दूंगा तीन चार गाड़ी एक साथ, या फिर दो गाड़ी जो भी आप लोग का मतलब कमेंट के हिसाब से ही मैं करूंगा। ठीक है, एंड तब तक के लिए आपको मैं इंटरव्यू दिखा देता हूँ, इसका म्यूजिक बजा के सुना दूंगा कैसा साउंड आ रहा है। मेरे को कॉपीराइट तो आने का कोई डर ही नहीं है, तो मैं अच्छा वाला म्यूजिक सुनाऊंगा पूरा। ठीक है, तो तब तक के लिए पूरा वीडियो देखो एंजॉय करो। तो भाई गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि स्टार्ट नहीं किया है, तो स्टार्ट करने के बाद ऐसे चलेगा तब गर्मी सब बाहर चला जाएगा। एंड पहले मैं आपको इंटरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट इनटू द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की बात करें तो पहले हम राइट साइड के विंडो चेक कर लेते हैं, राइट साइड के विंडो पे क्या क्या है एंड आप लोगों को सरप्राइज होगा, बहुत बहुत ही मतलब यूजफुल जो फीचर्स हैं राइट साइड विंडो में आपको देखने को मिलेगा, इवन राइट साइड नहीं हर विंडो में आपको देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो आप देखोगे यहाँ पे एक बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप बोतल रख सकते हो एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आप एक बोतल नहीं दो बोतल आराम से रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर देखो मेरा हाथ कितना जा रहा है, देख रहे हो इसके अंदर बहुत डीप तक है एक स्पेस, तो बहुत ही स्पेशियस जो विंडो है। एंड इधर आपको RPM का कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड जो विंडो का कंट्रोल्स मिल जाएंगे राइट साइड लेफ्ट साइड चारों तरफ का। ठीक है, एंड ऊपर आपको यहाँ पे ट्विटर मिल जाएगा और उससे म्यूजिक सिस्टम भाई तो पे पूरा फोर्ड इको स्पोर्ट का भाई गाना चलाओ एंड एंजॉय करके भाई पूरा रोड ट्रिप आप आराम से निपटाओ। ठीक है, और देखो बस यहाँ पे लॉक एंड जो चाइल्ड सेफ्टी है वो है अनलॉक एंड लॉक वाला, ठीक है वो भी कर सकते हो आप
एंड उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ और नहीं है, यही था राइट साइड विंडो पे। एट द सेम लेफ्ट साइड भी वही चीज़ें हैं आपके पास, वो लॉक वाला है एंड ट्विटर एक है लेफ्ट साइड पे, एंड वो स्पेस इधर भी है जो स्पेस दिखाया था राइट साइड। तो एट द मतलब सेम लेवल है, बस ORBM कंट्रोल राइट साइड में है एंड लेफ्ट साइड में वो नहीं है। और इधर आप रख सकते हो अपना मोबाइल, देख रहे हो ये जो स्पेस है, इधर आप मोबाइल अपना रख सकते हो और भी कुछ चीज़ें रख सकते हो, ठीक है, जो भी अगर होगा इतना स्पेस में जो फिट आ जाएगा वो भी रख सकते हो। इस तरफ भी वो है तो वो भी रख सकते हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को स्टेयरिंग व्हील, तो कुछ इस तरह से है, जो आगे का डैशबोर्ड इस तरह से है, पूरा फिनिशिंग इसका दिया गया है, जैसे आपको लेदर फील आएगा लेकिन प्लास्टिक है अच्छी क्वालिटी का, एंड यहाँ पे एयरबैग लिखा हुआ है आपको, एंड बहुत ही सॉलिड मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें, क्योंकि इसमें अगर देखने में भी जितना खास है, टच करने में भी उतना खास लग रहा है वो आगे वाला, एंड बहुत प्रीमियम आपको एक लुक देगा, एक प्रीमियम लग्जूरियस फील करेगा आपको, फील दिलाएगा गाड़ी है आपको। आप कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि भैया इकोस्पोर्ट का डैशबोर्ड क्या ले लिया, ऐसे नहीं होगा, एंड बहुत ही बढ़िया है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एक कितना इंचेस का, मेरे को नहीं पता यार, मैंने इतना डिटेल्स सर्च नहीं किया, बट देख सकते हो इतना, देख रहे हो मैं हाथ भी करके दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा, बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से यार, मज़ा आ जाएगा इसमें। तो म्यूजिक भी आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले देख लो ये वाला, ये इधर कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम अप डाउन और ये सब दिया गया है, बहुत सारे कंट्रोल्स, राइट साइड में ट्यून है, एंड नीचे की तरफ एसी का कंट्रोल्स हैं सब, ठीक है। और यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट दिया गया है, आप चार्जिंग पे लगा सकते हो, ये तो छोड़ो ये क्या है, ये रखते हैं इधर साइड में, दो यूएसबी पोर्ट दिया गया है, एंड TCS ऑफ यहाँ पे दिया है कुछ, इसका मुझे नहीं पता यार। एंड इसका गियर, जो गियर है इसका ऐसा है, देखो इधर की रख सकते हो आप ये जगह पे, ये बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है यार, फोर्ड इकोस्पोर्ट, कुछ भाई कुछ भी मतलब किधर भी रख सकते हो। इसका गियर जो है, गियर बॉक्स ऐसा है, बहुत ही सॉफ्ट टच है, मतलब इतना आपको हार्ड नहीं करना पड़ेगा, पुल नहीं करना पड़ेगा, मज़ा आ रहा है। और 12 वोल्ट का यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट सॉकेट दिया गया है, ये भी बहुत ही यूजफुल है। एंड इधर आपको दो कॉप होल्डर, दो बोतल, कुछ भी रख सकते हो, और इसके पीछे भी एक है, कुछ भी रख सकते हो भाई। एंड इसका जो ये दिया है इस तरफ लेफ्ट साइड का, क्या है ये, क्या बोलते भाई इसको, वो ब्रेक, हैंड ब्रेक, ठीक है, तो हैंड ब्रेक दिया गया है इस तरफ। एंड नीचे देख सकते हो ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। तो इधर लेफ्ट साइड में ये क्लच है एंड ब्रेक है एंड ये एक्सीलेटर है, तो ये कुछ ऐसे दिया गया है। एंड इसके नीचे मैं दिखाता हूँ ये कुछ वाइस, ये लाइट्स का जो ये कंट्रोल्स हैं, ये बहुत मतलब इसको बहुत इजीली करने के लिए आप लोगों को बहुत बढ़िया सेटअप दिया गया है कि आप इजीली इसको ऑपरेट कर सको, एंड इजी टू ड्राइव, इजी टू यूज़, इजी टू मेंटेन, सब कुछ भाई इजी टू करा गया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड एक एसी, बीच में दो एसी, दो एसी का सॉकेट, राइट साइड में और एक एसी का सॉकेट, तो सब कुछ है भाई। और हैंडल में तो भाई जो स्टेयरिंग में आप लोग इधर गाना एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो म्यूजिक का ये वॉल्यूम चेंज कर सकते हो इधर है, ठीक है, सब कुछ दिया गया है। एंड मेरे को पर्सनली मैं बताऊं तो भाई इसका जो स्टेयरिंग व्हील है मेरे को बहुत पसंद आया है इसको भाई, क्या टच है, क्या मतलब स्मूथनेस है, एंड क्या डिज़ाइन किया गया है, मस्त, बहुत ही मस्त लग रहा है। उसके बाद मैं आप लोग पीछे की तरफ दिखा देता हूँ, एक ग्लास है कुछ आगे, यहाँ पे क्या है ये ग्लास होल्डर है ना, ये इधर क्लिक करोगे तो ऐसे निकलेगा, तो ग्लास होल्डर भी है, फॉर्च्यूनर में भी आपको देखने को मिलता है ऐसा। तो यहाँ पे एयरबैग, एंड इधर एयरबैग के नीचे इधर एक आईना दिया गया है, एंड आप चेहरा आराम से देख सकते हो, बहुत मजा आएगा चेहरा देखने में। लाइट भी दिया गया है इधर भाई चेहरा देखने के लिए, ठीक है, और इधर भी लाइट दिया गया है जो आगे की डैशबोर्ड की तरफ, और राइट साइड में ड्राइविंग, ये भाई अब सन ब्लाइंडेड है, मतलब सन अगर पड़ा तो वो आप खोल दे सकते हो, एंड सन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। और आगे का मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, जैसे ही बोला था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा डिटेल्स में बनाता हूँ। और ये एक चीज़ देखो आप, ये चीज़ देखो, ये चीज़ कितना बढ़िया है, देखो राइट साइड में आगे की तरफ, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ कितना मस्त लग रहा है, बाहर से डिजाइन इसको थोड़ा लुक स्पोर्टी लुक देता है। एंड ये क्या है मेरे को नहीं पता भाई, ये बॉक्स है शायद, स्पीकर है होगा आई थिंक, हाँ स्पीकर ही होगा। तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे लेफ्ट साइड में और एक स्पीकर, एक दो तीन चार पांच स्पीकर सिर्फ आगे, ठीक है, मेरे ख्याल से अगर ये वाला स्पीकर निकला तो, नहीं तो चार, ठीक है। और आगे की तरफ ये रहा ये स्पेस, और इधर भी आप बहुत कुछ चीज़ें रख सकते हो भाई। अरे ये क्या है, इधर और एक चीज़ भाई, और एक इधर स्पेशियस चीज़ है, इधर ऊपर भी रख सकते हो और नीचे भी रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया भाई स्पेशियस गाड़ी फोर्ड इकोस्पोर्ट। तो नीचे की तरफ ड्राइवर की तरफ तो नहीं है, ड्राइविंग सीट की तरफ, बट लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ ये जो है हैंड रेस्ट,
आगे का, इधर खड़ा होकर जो सनरूफ में निकलते हैं बच्चे ना वो चीज़ है। ये भी थोड़ा, ये तो लेदर फिनिश किया गया है, बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है, उसको हटा दो तो भाई ये बहुत ही डीप तक जाता है ये जगह। इधर आप कुछ भी रख सकते हो भाई, क्या बोलते हैं वो कप बोतल, कुछ भी आप, कुछ भी बोतल है ना आप खरीदते हो तो वो भी रख सकते हो भाई, बहुत सारा चीज़ रख सकते हो इसके अंदर, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और इधर पानी का बोतल रख सकते हो भाई, सीट में इधर मिल जाता है। तो ये सब छोड़ो भाई, ये सब बहुत छोटा चीज़ है, इसको आपको जान के क्या करोगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है। और इधर से देख लो पीछे का लुक कैसा है, ऐसा है, इधर से देखो, मैं अभी पीछे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा आगे, ठीक है भाई। सच बताऊँ तो बहुत गर्मी है एंड मेरा पूरा मतलब पसीना पसीना हो गया भाई वीडियो बनाते हुए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक करना है, वो पसीना सब मिट जाएगा। और पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो विंडो है, जो दरवाज़ा है, तो पीछे की तरफ राइट साइड में आप लोगों को मिल जाएगा स्पेस, मिल जाएगा मोबाइल रखने के लिए, ये जो चीज़ था आगे तरफ सेम था। एंड यहाँ पे एक बोतल आप रख सकते हो, इतना स्पेस नहीं है पीछे, बट एक बोतल रख सकते हो। एंड ये म्यूजिक जो है स्पीकर है, ठीक है, वो किसका स्पीकर लिखा नहीं है भाई, नहीं बता सकता वो चीज़। और यहाँ पे आप इसका कंट्रोल कर सकते हो, जो ग्लास का नीचे कर सकते हो। और आगे की सीट में देखा बहुत सारा चीज़ रख सकते हो इधर, ये चॉकलेट कैंडी पड़ा है इधर देख लो, तो इधर ये भी रख सकते हो। दोनों सीट में मिलेगा आपको ये चीज़, तो वो चीज़। और जो मैं दिखा देता हूँ लेग रूम कैसा है पीछे, तो कुछ मैं हूँ 5.6 इंचेस, तो मेरे को भाई बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। हेडरूम तो भाई बहुत है यार इधर, और भी मतलब मेरे से भी लंबा भाई, 6 फीट तक आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम देख सकते हो। एंड लेग रूम की बात करूँ तो भाई लेग रूम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा पीछे किया गया है, आगे का सीट और आगे करा जाता है, और पूरा भाई कंफर्टेबल मैं बैठा हूँ। इधर और एक बेड रहेगा, इधर और एक, तीन जन भाई आराम से कंफर्टेबल, भाई पूरा कंफर्टेबल, तीन जन बड़े बड़े आदमी बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो कितनी सी जगह में मैं फिट आ गया, और भी कितना सारा जगह है, दो जन आराम से, मैं तो बोलता हूँ और तीन जन बैठ जाएंगे, चार जन बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, ये बहुत हो जाएगा, ठीक है, बट फिर भी तीन जन आराम से बैठ पाएंगे। एंड जैसे कि लेफ्ट साइड विंडो पे था जो भी कंट्रोल्स, वो राइट साइड में भी है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले पीछे से डैशबोर्ड, आगे का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। एंड पीछे का सीट में दिखाता हूँ, पहले आपको उठना पड़ेगा यार, देखो लेदर फिनिश है कैसे, ठीक है, व्हाइट कलर का बीच बीच में रखा गया है एंड ब्लैक कलर साइड साइड में बॉर्डर की तरफ। और इधर हेड के लिए दिया गया है, इसको उठा भी सकते हो आप, ठीक है, उठा सकते हैं ना, हाँ उठा भी सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ लंबा आदमी है तो वो ऐसे पीछे ऐसे करके सो सकता है, तो ये भी दिया गया है। एंड सीट बहुत कंफर्टेबल है, पूरा लेदर फिनिश एंड पूरा कंफर्टेबल है भाई, स्मूथ एनाफ, तो इधर आप भाई कुछ भी कर सकते हो, कूदो खेलो कुछ भी करो, एंड बहुत कंफर्टेबल है। पीछे और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तो हेडरूम एंड लेग रूम के बारे में ही बस कवर कर रहा था, क्योंकि और क्या दिखाऊं पीछे और इतना कुछ नहीं है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, आप जो ट्रैवल करोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा ट्रैवल का, देखो सुनोगे इसका साउंड कैसे, डोर का साउंड है ना स्मूथ है ना, तो ये कुछ ऐसा स्मूथ साउंड आता है एंड मज़ा आता है भाई, इसको बार बार करने का मूड करता है, पीछे क्या आगे का सबका मतलब विंडो ऐसे दरवाज़ा बंद करने का। तो ये था इंटरव्यू पूरा, आई होप कि इंटरव्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं भाई जो आउटर है, तो वो तो दिखा दिया मैंने यार, क्या बोल दिया मैंने, हाँ दिखा दिया वो तो मैंने सिनेमैटिक व्यू में, फिर भी ट्राई करता हूँ, रुको एक चीज इसको अंदर डाल देता हूँ। ये साफ करने का कपड़ा था, इधर था भाई आगे की तरफ, तो कुछ इस तरह था। आउटर पे देखोगे तो भाई व्हील्स हैं, कितना इंचेस क्या है मुझे नहीं पता, ये देख लो आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या 205, ये कुछ मैं पता नहीं, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, ये मतलब सिक्के, ये नहीं पता भाई ये कैसे बोलते हैं, लेकिन गुड यार टायर ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है, गुड यार टायर, तो ऐसा है। और आगे का मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा पूरा, और एक बार फुल दिखा देता हूँ चारों तरफ से, है ना। और लास्ट रह जाएगा म्यूजिक सिस्टम, आपको म्यूजिक का मैं भी सुना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसा भाई गाड़ी मज़ा आता है भाई, बाहर से जैसे दिखता है ना अंदर से इतना कंफर्टेबल है, पौड़ी को स्पोर्ट डेफिनेटली भाई को स्पोर्ट लो यार, मैं तो बताता हूँ अगर कोई सर्च करते हो यूट्यूब में गूगल में कि कौन सी गाड़ी बेटर है, इको स्पोर्ट भाई, इको स्पोर्ट, ठीक है। चलो अब दिखा दिया मैं म्यूजिक बना के, मतलब म्यूजिक बजा के दिखाता हूँ आपको, सुनाता हूँ कैसे आता है भाई, मज़ा आ जाएगा म्यूजिक सुन के, आपको बता रहा हूँ गारंटी। अब चलो म्यूजिक सुनाते हैं भाई, गाड़ी मैंने अभी स्टार्ट किया और एसी आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, विंडो खुला है, देख रहे हो ये सिस्टम, देखो भाई अगर विंडो खुला होगा तो भाई रेड अभी तो हर गाड़ी में दे रहा है, तो इसमें भी दे रहा है, देखो बहुत मज़ा आया, मतलब वो सेफ्टी चीज़ है यार, देखो विंडो खुला है ऐसे, अच्छा पीछे का खुला है भाई, करता हूँ मैं पीछे का, हो गया अब देखो चला गया, अब मैं कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ से,
मैं कनेक्ट करता हूँ अभी ब्लूटूथ से, पीछे का विंडो खुला था, अब देखो विंडो सब बंद हो जाएगा तो इधर ऑप्शन भी नहीं दिखाएगा। अब मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा एसी चलने दो यार, बहुत गर्मी हो रहा है। ओहो क्या एसी है भाई, बहुत जल्दी कूल हो जाता है यार इसका एसी तो, मज़ा आ गया भाई। क्या एसी है भाई, मज़ा आ गया यार सच में यार, कूल कूल ठंडा ठंडा हो गया पूरा। तो मैं बंद कर देता हूँ, ये शीशा बंद कर देता हूँ, दोनों तरफ शीशा खुला था। तो अभी इधर आ रहा है ब्लूटूथ, तो मेरा ब्लूटूथ कौन सा है भाई, नहीं आ रहा भाई, इधर दोबारा करना पड़ेगा, एड न्यू ब्लूटूथ डिवाइस। ठीक है ब्लूटूथ कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, क्यों आपको मतलब ऑफ स्क्रीन क्यों करूँ, स्क्रीन में ही कर लेता हूँ। पेयर विथ न्यू डिवाइस, ऐसे मोबाइल में आएगा पेयर विथ न्यू डिवाइस लिखा देगा पोर्ड, ठीक है पोर्ड पे क्लिक करो। हाँ लो भाई कनेक्ट हो गया, अब मैं गाना बजाता हूँ, कनेक्ट हो गया पूरा, देखो इधर कनेक्ट हो गया, कैसे आ जाएगा मैं बजाता हूँ अभी। देखो कार बेस पोस्टर मतलब मेरा कलेक्शन है भाई गाने का, कौन सा गाना बनाऊँ, अंग लगा दे बजाता हूँ, ठीक है अंग लगा दे अंग लगा। क्या है भाई मेरे को नहीं पता, चलो सीजन करते हैं, गाना बज रहा है देखो सुनो, देख रहे हो भाई क्या म्यूजिक है यार। क्या खतरनाक म्यूजिक भाई, पूरा मजा आ जाएगा यार आपको, ठीक है। और भाई क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस में कुछ झूठ फूट नहीं बोल रहा भाई, मजा आ गया सच में मेरा, जितना भी उतना जो भी पसीना पसीना आया था सब भाई गायब भाई, पूरा रिलैक्स। क्या म्यूजिक सिस्टम है बॉडी को सपोर्ट का, म्यूजिक का भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का मजा ले सकते हो ड्राइविंग के टाइम, तो ये मिस मत करना। अगर कोई भी ट्राई चाहते हो अभी इको स्पोर्ट लेना तो गारंटी डेफिनेटली लो, कुछ भी हो तो भाई मेरे को कंप्लेन करो यार कि आपने बताया था, बट मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया एंड मैंने बहुत चलाया इसको, बट अभी ड्राइविंग का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, जैसे कि पता है आप लोगों को मेरे पास कोई नहीं है इधर, ये है कि मोबाइल है ट्राइपॉड नहीं है कुछ नहीं है, सब ट्राइपॉड फाइपॉड सब मंगाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। वेन्यू का वीडियो आने वाला है तो वेन्यू के वीडियो के लिए भाई थम्स अप, अगर कोई भी चाहते हो इको स्पोर्ट एंड वेन्यू का कंपेरिजन वीडियो तो वो बहुत जल्दी आ रहा है अगर बोलोगे तो, नहीं तो नहीं लाएंगे भाई, ओनली वेन्यू का जो वीडियो है वो कर दूंगा मैं, जैसे 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 ये किया उसमें और कुछ लगाया गया है भाई, उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया है वो दिखाऊंगा। इसमें एक और चीज़ है भाई दिखा देता हूं आपको, बाहर जाके नहीं दिखाया आपको, लगभग पता होगा सबको, ये देखो आगे इकोस्पोर्ट लिखा है, ये चीज़ आपको बाहर से कराने पड़ती है, ठीक है। अब देखो अपने कोई ऑटोमोबाइल जो शॉप से होगा उधर से कर लाना, ठीक है मजा आता है भाई देखने में, देख रहे हो लुक, देख रहे हो ये सा लुक आता है पूरा खतरनाक बढ़िया आ जाता है, तो वो करो। एंड जैसे कि मैंने बता दिया लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब तो भाई कंटिन्यूसली गाड़ी होगा मेला रहेगा, गाड़ी ही गाड़ी आएगा भाई चैनल में, हर तरह का गाड़ी बाइक्स कार सब आएगा। तो भाई मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, टिल देन बाय बाय टाटा, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड नेक्स्ट ब्लॉग पे, पीस आउट। वाओ।